ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां झारखंड सशस्त्र पुलिस के सहयोग से वेदांता ईएसएल की सुरक्षा टीम ने उपद्रव और भीड़ नियंत्रण के ऊपर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। किसी भी आपातकालीन स्थिति के दौरान सुरक्षा दल की परिचालन उत्कृष्टता को और भी बेहतर बनाने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस दौरान झारखंड पुलिस और ईएसएल सुरक्षा दल के संयुक्त प्रयास से 100 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को आसपास घट सकने वाली स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। वही खबर जांजगीर चांपा से है, जहां अश्लील वीडियो बनाकर फोटो वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही थाना चांपा पुलिस ने आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पीड़िता और आरोपी की फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। वही पीड़िता द्वारा आरोपी से बात बंद करने पर आरोपी ने पीड़िता की आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो वायरल कर दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अपराध आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर लिया गया है। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां जिले के शिवरी नारायण में माघी पूर्णिमा के अवसर पर 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। उक्त मेले में कानून व्यवस्था, चैन स्नैचिंग, चोरी एवं अन्य घटनाएं की रोकथाम के लिए शहर के शबरी पुल के पास सभी घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर संपूर्ण मेले की निगरानी की जा रही। एक महिला का मेले में बैग गिर गया था, जिसमें सोने और चांदी के गहने समेत 1,50,000 रुपए का सामान गुम हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुम हुए सामानों का पता लगाकर महिला को सौंप दिया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक पेट्रोल पंप संचालक की गलती और लापरवाही से कई वार्डों का ग्राउंड वाटर दूषित हो गया। पिछले 6 महीनों से हजारों लोगों के घरों पर बोरवेल और हैंडपंप से पेट्रोल डीजल की दुर्गंध वाला पानी आ रहा है। अब लोगों को मजबूरी में पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। लोगों का गुस्सा देखते हुए कलेक्टर ने जिला मुख्यालय के लिंक रोड पर स्थित पेट्रोल पंप को सील कर दिया। वहीं कलेक्टर ने सख्त हिदायत देते हुए तेल की बिक्री पर भी रोक लगा दी। मतलब जो पानी है वो मना, पेट्रोल की बदबू आते, सेहत खराब होते और मतलब सबे की मतलब तबीयत खराब होते, तो ओकरे कारण हम जगनी पेट्रोल पंप आए हैं कि अगर कोई मतलब उपाय किया जाए। जगनी पेट्रोल पंप के टंकी है वो लीक हो गए है, जेमा जमीन में स्रोत आ गए है, तो मतलब 2 महीना हो गए हमन पूरा पेट्रोल वाला पानी पिया था और कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमन ला व्यवस्था दिया जाए। सेहत खराब, पूरा गैस होते, जेला गैस नहीं होते तेला गैस, अभी मोला 2 बॉटल चढ़ी से गैसेज के नाम से। हाँ, अब जितका कमात नहीं उतका है तो हमारे डॉक्टर इलाज में चल देते। छोटे छोटे बच्चे कहूँ ला उल्टी होते, कहूँ ला दस्त होते, तो का करीन बतावा। हाँ, ओकरे वही आए हैं ने जगदी पेट्रोल पंप ला सील करा और हमन के पानी के समस्या ला दूर करा। पानी के समस्या लेके आए हैं, हमन पिए नहीं सकत हैं, ना मुँह में डाले ना कुछ बरस मंजन कुछ करे नहीं सकत हैं। वो पानी कुछ काम के नहीं है, तो पानी की व्यवस्था चाहिए हमन ला। अब वही पेट के प्रॉब्लम, सीना दर्द करत थे, गैस बना थे, ना खाना भी वो पानी में बना थे, कुछ काम नहीं आते पानी। पेट्रोल पंप के आसपास जो घर हैं उसमें उनके पानी में दुर्गंध आने की शिकायत प्राप्त हुई थी पेट्रोल की, तो उसकी फूड इंस्पेक्टर तहसीलदार टीम द्वारा जांच कराई गई थी। शिकायत सही पाई गई, वास्तव में पानी में दुर्गंध है कुछ लोगों के घर में, तो उसके लिए सेल्स ऑफिसर इंडियन ऑयल और हम लोगों ने भी आके उसकी पुष्टि की और इसको टेक्नीशियन बुला के इसका मेंटेनेंस का कार्य कराया जाएगा। कहाँ से लीकेज है उसको देखा जा रहा है। तब तक के इस पेट्रोल पंप में व्यावसायिक गतिविधियाँ कलेक्टर मैम के निर्देश पर स्थगित कर दी गई। ये लीकेज जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक स्थगित रखी जाएगी स्थायी रूप से, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। मतलब जो पानी खबर बेतिया से है, जहां सांप काटने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार युवक अपने खेतों में काम कर रहा था, इस दौरान उसे एक सांप ने डस लिया, जिस पर उसने घर जाकर परिजनों को सांप के डसने की बात बताई। वहीं हालत गंभीर होने के बाद युवक को आनंद फानंद में नरकटियागंज के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं युवक की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तौड़ा गांव के मेरे मामू हैं, थे अब्दुल गफार नाम है, वो खेती बाड़ी करने गए थे। ऐसे खेती बाड़ी कर रहे थे तो कुदाल चला रहे थे, तो कुदाल चलाते समय किसी बेल से मैंने कि सांप निकल के डस लिया,
और डसने के बाद मैंने हम लोग को एहसास नहीं हुआ कि उनको सांप ने कटा हुआ, ऐसे कि उनको इलाज के लिए मैंने कि ले जा रहे थे तो ऐसे में कि झाड़ फूँक करवाए उनको, तो इसमें थोड़ा लेट हो गया। और डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर बोला कि बहुत लेट हो चुका है, सांप ने डस लिया है। डॉक्टर ने साबित कर दिया कि सांप ने डस लिया है और बहुत आप लोग लेट कर चुके हैं उस समय के, मैंने कि हम नहीं बचा सकते और इसी कारण छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में जांजगीर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि नाबालिग बालिका को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया था, इस पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उसके साथ ही पुलिस आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।